वेलकम बैक टू तो अभी हो रही है सुबह का टाइम और आप मुझे मेरे यूनिफॉर्म में देख रहे होंगे क्योंकि मैं और सिमर अभी स्कूल जाने वाले हैं और अभी हम रेडी शेडी हो चुके थे अभी हमारे दस मिनट बचे हैं और अभी हमें नाश्ता भी करना है उस दस मिनट में और फिर हम निकल लेंगे स्कूल के लिए फटाफट से और यहाँ पे सिमर आ रहा और एक चीज इतनी लग लक्की है वो मोटा लग रहा कॉलेज इज इकल्स टू छुट्टियां मजे क्यूँकी गांधी आज भी कॉलेज नहीं है वो बैठी हुई है पीछे वो वहाँ बैठी हुई है पीछे ऐसे इन दोनों की अपनी अपनी लड़ाई चलती रहती है गंदी को आप कॉलेज में जाते आप बहाने नहीं बनाते घर रह लेते तो ये वगैरह सो तो ये बहुत ज़्यादा चीरता है गंदी से तो ये कहते रहता गंदी आप कॉलेज करने कुछ नहीं जाते कुछ नहीं जाते तो ये होता रहता है गंदी कहती है तो ज़्यादा पढ़ाई करती होता है होता है तो ये मैं रोज़ इनका ड्रामा देखती हूँ और इन्जॉय करती हूँ वॉच करती हूँ अभी हम फटाफट से अपना नाश्ता कर लेते हैं आलू और बना हुआ है आलू शिमला मिर्च एंड परौंठे तो अभी हम नाश्ता करते हैं एंड देन वी विल बी रेडी टू गो शिमला मिर्च और रोटी परोठा रोटी एक ही और हाँ चाय चाय आ चुकी है अभी हमने खाना खा लिया है सोही गाइज अभी मनु और सिमर जा चुके हैं स्कूल तो दोनों जा चुके हैं फाइनली मैंने भी जस्ट नाश्ता करके हटी हूँ मैं और फाइनली अभी मैं घर में आज चिल फिल करूँगी आज मेरे को मेरे कपड़े सेट करने हैं क्योंकि कल मनु ने कि मम्मी ने कहा दोनों एक दिन मत करो दोनों सामान खिला दोगे और फिर उसके बाद इकट्ठा रम सो पानी आ जाएंगे थोड़ी देर तक क्योंकि अभी नौ नौ बज रहे हैं अभी और उसके बाद मैं अभी अपना कपड़े वपड़े सेट करूँगी तो बच जाएंगे मेरे को ग्यारह साढ़े ग्यारह फिर उसके बाद मैं नहाऊँगी मेरे को सिर धोना है और फिर इतने में वो दोनों आ ही जाएंगे फ़ोन फान चलाऊँगी मैं थोड़ा अपना फिर हाँ जी और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद जब मैं कपड़े सेट सेट कर लूँगी एंड सी गाइस सो so गाइज अभी मैं हो चुकी हूँ नहा धो के एकदम रेडी अपने बाल वाल धो के अब मैं थोड़ी अच्छी लग रही होंगी नहीं तो पहले तो मैं बहुत बत्तर सी लग रही थी और मनु और भी आ चुके हैं स्कूल से और उन्होंने भी सब लंच वंच कर लिया और साढ़े पाँच बज चुके हैं बेसिकली हम थोड़ा लेट हो गए शूट करने के लिए क्योंकि जैसे ही मैंने ब्लॉग करा था उसके बाद कपड़े सेट किए मैंने एंड उसके बाद मेरे को मैंने बोला फटाफट तू नहाया क्योंकि फिर तू अगर नहीं गई नहाने फिर पापा आ जाएंगे फिर तू वैसे ही नहीं जाने वाली सो उसने रात को नहाएगी सो so, बेटर है कि अभिन ले और मनु पढ़ गई बैठ गई पढ़ने के लिए और सिमर एज यूजल सिर्फ होमवर्क ए दसवाए सिर्फ होमवर्क ए दसवा डर एडिटेंशन का दसवाए और uh, सिमर गया है बाहर खेलने एज यूजल आइज यहाँ पे ना ऐसा होता है जैसे कि इंडिया में तो होमवर्क करो तो डांड पड़ती है मार पड़ती है यहाँ पे मिलती है डिटेंशन एंड बिहेवियर लॉक्स में ऐसा होता है कि थर्टी मिनट सिक्सटी मिनट या नाइन्टी मिनट मेरे स्कूल में ऐसा था, होता था ऐसा और लेकिन इनके स्कूल में अलग अलग टाइम होता है जैसे बीस मिनट तीस मिनट जितने मिनट भी लेकिन बड़ी हाँ लेकिन छुट्टी के बाद रुकना पड़ता है डिपेंड की कितनी बड़ी मिस्टेक है या फिर ब्रेक कैंसिल कर देते हैं लंच कैंसिल कर देते हैं और हमारे में जो स्कूल में यहीं पे यहाँ पे ऐसा होता है इंडिया में सनातन इंडिया में मार पड़ती है यहाँ पे तो बच्चों को डांटना भी अलाउड नहीं है सो so, मारना तो बहुत दूर की बात एंड टीचर्स बहुत ज़्यादा लीनियंट हैं बहुत ज़्यादा काम है वैसे जब गुस्सा आता है तो गुस्सा हो जाती हैं पर ऐसा कुछ वो नहीं है तो छुट्टी के बाद रुकना पड़ता है और रिफ्लेक्शन रूम में भी बिठा देते हैं एक बार तो इतना इतना इंडिया और यहाँ पे डिफरेंस है उस चीज़ का और अभी हम सुनेंगे कीर्तन और उसके बाद जब तक पापा आ जाएंगे एक घंटे तक एंड जब हम करेंगे लंच लंच <laughs> हम करेंगे डिनर क्योंकि हम जल्दी डिनर कर लेते हैं आठ बजे तक हमारा सब कुछ हो जाता है क्योंकि हम दिन में खाना नहीं खाते सुबह खाते हैं और हाँ जी सो अभी चलते हैं फटफट मम्मी की थोड़ी हेल्प करा देती हूँ मैं जी और आज मम्मी ने बनाया है मेरा फेवरेट खाना इतने टाइम बाद राजमा किसी के राजमा चावल फेवरेट तो कमेंट डाउन बिलो कि मैं राजमा चावल की बहुत 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 बड़ी वाली फैन हूँ लाइक like, राजमा चावल दे दो मुझे और मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी लाइफ में सो जी राजमा चावल और मोमोज और चॉकलेट और बस ऐसे मैं इस पर अपनी जिंदगी निकाल सकती हूँ बिना किसी उसके सो so, हाँ जी चलता है आपको मेरी पापा बहुत ज़्यादा सुनने को मिल गई होगी सो सी करते एक घंटा हो चुका है और मेरा कुछ होमवर्क ख़त्म नहीं हो रहा अभी तक तो मेरा एक सब्जेक्ट का भी होमवर्क ख़त्म नहीं हुआ इतना ज़्यादा होमवर्क है एंड एक्चुअली बहुत ज़्यादा है और मैं कर कर so. के लिख लिख के थक चुकी हूँ मैंने इतना ज़्यादा एनोटेशन yeah, वगैरह yeah, yeah, ही कराया अभी ये पोएम है बेसिकली तो मुझे उसके एनोटेशन वगैरह करनी है तो बहुत दो पोए में दो की नोटेशन करनी है तो मैं अभी वो कर रही हूँ एंड एक घंटा हो गया एक घंटे से मेरे से हो ही नहीं रहा है बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत ज़्यादा भी होमवर्क है और मेरा भी चार सब्जेक्ट का और पड़ा है पता नहीं कैसे होगा बारह बजे तक जागना पड़ेगा आदमी लगता है तभी तो जाए कुछ होगा वरना तो नहीं होगा मेरा कुछ नहीं होगा मेरा और मैं चाहती हूँ कि मैं सारा होमवर्क कंप्लीट कर लूँ बिकॉज साकिब टीचर की नज़र में थोड़ा अच्छा बच्चा जस्ट द सेकेंड वीक अभी सेकेंड वीक स्टार्ट आया तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा अच्छी बच्ची बनू होमवर्क सब कुछ कंप्लीट करके लेके जाऊँ तो मुझे सारा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा तो प्रेशर यू नो सो गाइस अभी हमारे फाइनल राजमा चावल रेडी हो चुके हैं और इतने ज्यादा यम्मी डिलीशियस लग रहे हैं गांधी ने ऑलरेडी सब अपने खाने पर टैक कर दिया मैं हूँ बच्ची जिसने नहीं करा मेरे हाथों में चम्मच भी है तो अभी मैं आपको खाती है राजमा चावल ये राजमा चावल खीरे और प्याज में मैंने मसाला कुछ करके बनाया हुआ एंड ये चटनी है तो ये हमारा बहुत का खाना डला का बहुत प्रोफेशनल लगता है पर खाती है थोड़ा बहुत बहुत तो मैं मैं खाती मेरी मतलब पता नहीं मेरे को थाली में खाना अच्छा लगता है खाती है भी कभी कभी मिलता है मैं तीनों को थाली में ही है क्यूँकी हम खाना गिरा देते हैं आसपास पास हाँ तो इसलिए और हमारे चल रहे हैं इंडिया वाले इंडिया वाले में दाए गाइस अभी हो चुकी है रात और हम सब ने खा लिया है खाना और बहुत भे भे पेट खाया क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी बना हुआ था एंड अभी सिमर भी आ चुका है खेल के आज जाता है फिर मम्मी बुलाते है कि दस मिनट के लिए आ जाए बस फटाफट खाना खाता है फिर दोबारा चल जाता है फिर सारा खाना खुना हजम करके फिर पता नहीं कैसे इसको भूख नहीं लगती होगी एंड अभी काफी ज्यादा रात तो नहीं हुई पर नींद आ रही क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाता है मैं उठी थी छः बजे बैकग्राउंड म्यूज़िक ए लड़की <laughs> तो इसकी दवाई चल रही क्योंकि इसके हाथ में इन्फेक्शन हो गया पहले मुंह में था अब हाथ में भी हो गया इसका समझ नहीं आता कितने इन्फेक्शन इनफेक्शन आएंगे इसको भी एंड हाँ जी तो उसको दवाई ये दी है तो हम इसको ये दवाई देते हैं पूरा पता नहीं कैसे फैल के बैठा हुआ है और होमवर्क कर रहा अपना इतनी साफ रही कैसे है। तेरी अच्छी है मैंने ऐसा कहा ही नहीं तू वो देख उस पेपर पर लड़ी और इस पेपर पे देख तू छाप रहा है ना अच्छे से सकून से ये तो मैं क्लास में जल्दी जल्दी करता ना और ये अभी अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बीस मिनट हाँ हाँ ठीक है, हा, हा, है। और मनु यहाँ फोन चला रही थी बस और कुछ नहीं कर मोड़ में रहते हैं कोई ज्यादा काम नहीं करना कोई ज्यादा प्रेशर नहीं पाना और घर वाले डांटते रहते हैं है। कहते नहीं तुम कुछ नहीं करना ये नहीं करना डांट खाने की आदत हो चुकी है पता है डांट खाए बिना दिन नहीं करता हमारा आप भी बताना अगर आपको आपके घर पर डांट पड़ती है नहीं तो मैं इसको पहले दबा दे देती हूँ जिस दिन डांटना पड़े उस दिन हमेशा कुछ मिस पढ़ती है रोज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि मिसिंग लगा आज तक लाइफ में है। तो देखते हैं इसको इसको दवाई पिला दो यार गाइस फिर मिलती हूँ मैं क्योंकि नहीं पिलाया तो मम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी गाइस अभी हमारा खाना और सब जो भी मैंने आपको दिखाया सब हो चुका है मैं बाहर आके बैठ चुकी हूँ क्योंकि पापा जी वॉशरूम में चले गए एंड बाल बाल बांध के अपने बाहर बैठ गई थी क्योंकि टी वी देख रही थोड़ी देर के पापा जी को टाइम लगेगा वॉशरूम में आपको वॉशरूम में आना था <laughs> कैसा लगा आपको जरूर बताना कमेंट करके और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है अगर आपको अच्छा लगेगा लगा हो अगर आपको अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार <laughs> लाइक कर दो कमेंट कर दो और हाँ जी मिलते हैं आप तो दोबारा किसी ब्लॉग में किसी ब्लॉग में एंड हाँ जी अपना प्यार दिखाओ ताकि हम रोज अपलोड कर सके सो यस गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो Hope you guys enjoy this vlog. See you guys later. Bye bye. Peace out.